नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा। हमारे चैनल किट्टू बेटू अमेजिंग किड्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपको हमारा ब्लॉग है माता मैहर के दर्शन का। तो चलिए, अब हम अपने घर से निकल चुके हैं प्रयागराज से। अब पहुँच चुके हैं नैनी ऑटो से, ई रिक्शा के द्वारा। अब हम पहुँचेंगे छिवकी स्टेशन, वहाँ से हमारी ट्रेन है रात 2 बजे की। तो इस समय रात में 10 बज रहे हैं और हम ऑटो से रिक्शा से जा रहे हैं स्टेशन। अब स्टेशन पहुँच गए हैं, ट्रेन 10 से 2 बजे के बीच में थी। 10 बजे हम पहुँच गए थे तो 2 बजे मेरी ट्रेन थी, तो आराम से यहाँ सब सो रहे हैं। तो फिर ट्रेन आने के बाद हम लोग बैठ गए ट्रेन में। फिर यहाँ वेंकटेश्वर लोक दिखाई दिया था, जो कि बहुत प्यारा सुहाना मंदिर लग रहा था रास्ते में। जो कि एक तो यहाँ बगल में लोग सुबह सुबह योगा भी कर रहे थे, और तालाब है जिसमें कि बुद्ध और शेषनाग बहुत सारी मूर्तियाँ रहती हैं। फिर वहाँ से हम सभी पहाड़ों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए। Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that vibe and baby, come and meet you. Dancing on the floor in the swinging room. Clap your hands now, let the trumpets sound. Swinging to the left and swinging to the right. No room for worries, just let go and be free. When the swinging pop, come and join the spree. Swinging melodies, taking us high. स्टेशन पहुंचने के बाद हमने बुक कर लिया है ऑटो, जो कि 10-10 रुपये लेके मैहर मंदिर के पास छोड़ देता है गेट पे। तो ये देखिए कितनी स्पीड में ऑटो लेके जा रहा है। हम लोग 15 से 20 लोग थे, जिसमें महिलाएं एक ऑटो में बैठ गई थी बच्चों के लेके, और जेंट्स अपना एक ऑटो में बैठ के चले गए थे। तो सब लोग ये देखिए ऊँचे ऊँचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं माता मैहर शारदा के गेट के पास। यहाँ गेट से और आगे भी जाना है तो एक गेट और मेन गेट दिखाई देगा। और ये देखिए हम लोग जब ऑटो से उतरे हैं तो माता रानी कितनी ऊंचाई पे मूर्ति दिखी। जय माता दी, और बेटू बोल रही है जय माता दी, मैं माता रानी की फूल माला ले जाऊँगी। और ये कहते हैं कि मैं किट्टू कह रहे हैं मैं प्रसाद लेके जाऊँगा माता रानी की, और पूरे दिन प्रसाद लिया रह गया। फिर हम लोगों ने रोप वे का टिकट लिया, और 2 घंटे तक लाइन में बैठे रहने से के बाद हम लोगों को रोप वे का मिला। और हम लोग जा रहे हैं रोप वे से तो माता रानी के दर्शन के लिए। रोप वे में बैठने पे किट्टू रो रहा था कि मुझे नहीं जाना है, अभी हंस रहा है। तो उसके पापा उस आगे की तरफ उसका मुंह करके बैठा दिए थे। तो इसमें रोप वे में 4 लोग को बैठाया जाता है, और 2 बच्चे भी थे तो 6 लोग हो गए थे। और बच्चों को किनारे बिल्कुल ना बैठाएं, अपनी गोद में लें या बीच में बैठाएं, क्योंकि बच्चे डरते हैं जब रोप वे ऊपर जाता है। यहाँ सड़क दिखी थी जो वाहन के द्वारा भी आप माता मैहर के धाम पे जा सकते हैं, सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। आपको जैसी सही पड़े हो ऐसे ही जाइए। और उसके बाद यहाँ देखिए काफ़ी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं माता रानी के मंदिर के बारे में। तो ये माता शारदा की मंदिर यानी मैहर माता की मंदिर पूरे भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाखों भक्त प्रतिदिन आते हैं। दोस्तों, यह मंदिर सतना जिले के पास ग्राम मैहर में स्थित है, यानी कि मैहर गांव में स्थित। माता शारदा का मंदिर त्रिकूट पर्वत के विशाल चोटी पर स्थित है, जिसकी ऊँचाई 600 फीट है। दोस्तों, यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। इस स्थान पे माता सती के गले का हार गिरा था, इसी कारण इस स्थान का नाम मैहर पड़ा। माता शारदा की पूजा सुबह मंदिर का कपाट खुलने से पहले आल्हा उधल करते हैं, जो कि पौराणिक कथाओं के अनुसार आल्हा उधल को
माता का वरदान प्राप्त है। यह मंदिर 500 ईसा पूर्व का बना हुआ है। इस मंदिर के आसपास घूमने के लिए आला उधल का तालाब, मंदिर और उनका अखाड़ा है। दोस्तों, यह सब अपनी जगह पर एक बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ जाने के बाद पर दोस्तों मन एकदम खुश हो जाता है। ना तो कोई टेंशन, ना कोई दर्द, ना तो कुछ भी नहीं महसूस होता। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत अच्छी जगह आ गए हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। जाने का मन नहीं करता है। और यहाँ एसी कूलर सब फेल है, जो कि इतना ठंडा हवा लगता है। तो यहाँ देखिए थोड़े बच्चे यहाँ थोड़ा स्लाइड कर रहे हैं और किट्टू बेटू भी कर रहे हैं। तो बच्चों को थोड़ा पिकनिक कराना चाहिए, जिससे कि वो हैप्पी रहें हमेशा। और ये हमारी माँ ननद की सासू माँ हैं, जो कि नीचे से सीढ़ी पर से उतर नहीं पा रही हैं। तो उनको अब कंधे पर सहारा देके उतारा जा रहा है। और किट्टू भी अपने पापा के साथ आ रहा है। अब उनका हाथ छोड़ेगा और आगे आगे आएगा। तो दोस्तों, जब कभी भी बूढ़े लोग को सहारा देना चाहिए, जब भी कभी उन सीढ़ी उड़ी से उतरने लगे, तो उनको थोड़ा सहारा दे के उतारना चाहिए था कि वो आराम से उतर सके। तो यहाँ ऊपर से देखने पे इधर आल्हा उदल का तालाब दिख रहा है और उनकी मंदिर दिख रही है और इधर ये अखाड़ा दिख रहा है। तो अभी आगे इसी वीडियो में अभी आल्हा उदल की मंदिर इसी में आगे देखेंगे। तब तक हम लोग अब जा रहे हैं, हम लोग पहुँच गए हैं भंडारे में, जहाँ की 15 रुपये का टोकन लीजिए और फ्री में पूरी सब्जी दाल चावल खाइए। तो हम लोगों ने पूरी सब्जी दाल चावल खाया। फिर उसके बाद आए रोड पे ऑटो के लिए और यहाँ से माता रानी का मंदिर दिख रहा था। फिर यहाँ से हम लोगों ने ऑटो पे बैठ के खटखट 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 करते हुए आल्हा उधल के मंदिर के पास पहुँच गए। यहाँ से माता रानी के मंदिर से आल्हा उधल की मंदिर 2 किलोमीटर है, जो कि आप ऑटो से जा सकते हैं और आराम से घूम के आइए। तो यहाँ ये रहा आल्हा उदल का मंदिर। अभी इसके अंदर का व्यू लास्ट में हम दिखाते हैं और उसके बाद ये दिखाते हैं आपको आल्हा उदल का तालाब, जिसमें कि बहुत पानी तो गंदा है पर इस समय। और उसके बाद इसमें कमल के फूल बहुत ज़्यादा खिले हुए थे और यहाँ हम लोगों ने एक दो फोटो खिंचाए। और फिर उसके बाद एक अद्भुत वृक्ष था, जो कि इसमें पानी गिर रहा था। हम लोगों ने सोचा कहाँ से पानी गिर रहा है, कैसे पानी गिर रहा है। तो इसमें यहाँ बड़े बड़े कीड़े बैठे हुए थे, जो कि टॉयलेट कर रहे थे। और सब लोग सोचे कि सच्ची में, और जब यहाँ हुआ कि टॉयलेट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने भाग गए जल्दी से कि यहाँ अच्छा नहीं है, कि पता नहीं क्या कैसे है। तो फिर यहाँ से फिर आ गए हम लोग आल्हा देव के मंदिर में। यहाँ से माता रानी का मंदिर सीधा दिखाई देता है और ये आल्हा देव की मंदिर है। ये बेटू उसके पापा बैठे हुए थे बाहर और ये दीदी हैं। चलिए अंदर सब जा रहे हैं उनका दर्शन करने के लिए। यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोगों को मिला लाई और रोरी का प्रसाद। तो फिर ये देखिए सब लोग अपना हाथ पर जोड़ लिए हैं। फिर इसके बाद हम लोग मंदिर का परिक्रमा भी कर सकते हैं, लोग कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए, ट्रेन पकड़ लिए, जो कि दोपहर में 3 बजे से हम लोगों की ट्रेन थी और जो कि छिवकी हमें शाम 7 बजे पहुंचा दी थी। तो ये रहा आज का मेरा पूरा ब्लॉग। थैंक यू।